लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच, देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं लिमरा न्यूज। जैसा कि 2022 विधानसभा चुनाव करीब है, जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। कोरोना फिर से लौट आया है, लेकिन चुनावी रैलियां जोरों शोरों से चल रही है। सारी पार्टियों में उठापटक चालू है। कोई नेता इस पार्टी में तो कोई नेता उस पार्टी में। सारी पार्टियां जनता को रुझाने के लिए हर तरह के अपने तिकड़म बिझाने शुरू कर दी हैं। ऐसे में जनता इस बार किसकी तरफ आकर्षित होती दिखाई दे रही है? किसे जनता 2022 में सीएम की कुर्सी पर बैठाएगी, किसे सत्ता से बेदखल करेगी, चलिए जानते हैं। जैसा कि हम मौजूद हैं जो सड़क में जो फेरी लगाते हैं, उनका माहौल जानने के लिए कि इस बार वो किसकी तरफ जा रहे हैं, किसे वोट देंगे, किसे 2022 में विधानसभा में पहुंचाएंगे। हमारे साथ में दादा मौजूद। दादा, इस बार 2022 विधानसभा चुनाव करीब है, किसे ला रहे हैं इस बार, किसका माहौल बनता दिखाई दे रहा है? अखिलेश को क्या वजह है? योगी आदित्यनाथ तो लगातार फ्री फ्री आदित्यनाथ बेकार आदमी है, लगातार फ्री फ्री के दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने मतलब फ्री राशन दिया है, फ्री वैक्सीन दिया है, फ्री में कोविड का। उनका टाइम आ गया तब दे रहे हैं। रोड पे ठेला लगाते हैं, रोज भगाते हैं, मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहे उनके काम का। भैया कुछ नहीं। अच्छा, चलिए कुछ और। जी दादा, किसका माहौल बनता दिखाई दे रहा है 2022 में? किसका माहौल बनता दिखाई दे रहा है 2022 में? अब ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किसका बनना है भाई। यहाँ तो रोड पे भगाना है बस, खाली दौड़ाना है। माहौल किसका बनना है, क्या बनना है, ये तो बाद में पता चलेगा। कौन आ रहा है 2022 में? योगी आदित्यनाथ के काम कैसे लगे? काम तो बहुत बेकार लगे, रोड डंडे खा रहे हैं सब, और क्या। ये काम है तो फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री वैक्सीन दे रहे हैं लगातार। फ्री क्या फ्री दे रहे हैं, राशन दे दिया, बहुत कुछ हो गया, बाकी तो खर्चा कहाँ से आएगा। फ्री वैक्सीन भी दिया है उन्होंने, कह रहे हैं शौचालय बनवा दिया, कॉलोनी दे रहे हैं। वो कहाँ शौचालय बने, कहीं दिख ही नहीं रहे कोई शौचालय हम को आज तक, कहीं कोई शौचालय दिखा नहीं है मेडिकल पे कि फ्री बना हो। कह रहे हैं मोदी कह रहे हैं कि योगी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। हो सकता है भाई उनके कहने से बन गया हो, हम लोग के नज़र में कहीं नहीं बना हुआ है कुछ। तो इस बार फिर किसका माहौल बनता दिखा रहा है योगी आदित्यनाथ के काम से? तो कई पार्टियां आ रही हैं इस बार, छोटे दल भी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी आ रही है, तो क्या कुछ है? आपकी अखिलेश ही बढ़ रहे हैं आगे, अखिलेश की सरकार आपकी आना है पक्का है। इनका काम से सब नाराज़ है। योगी आदित्यनाथ के जो नेता हैं उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं लगातार, क्या वो सब छापे दिखावे के हैं? अभी सब दिखा रहे हैं कि हम डाल रहे हैं अपने वहाँ, बाद में गांड काटेंगे सबकी। करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, 250-250 करोड़ रुपए मिल रहे हैं लगातार। किसको मिले? सपा में। किसको मिले? सपा के नेता जो छापा पड़ रहा है जिनके घर पे। हाँ तो वो भर लिया है ले लेके सब, इतना तो मिलेंगे नहीं भाई यहाँ गरीब। इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा अखिलेश यादव पर? अखिलेश यादव सपा के नेता मिल रहे हैं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा वोट पे? का प्रभाव जो सही काम करेगा उसका प्रभाव हो, जो गलत करेगा उसके जूते पड़ेंगे। मतलब अखिलेश यादव का माहौल बनता दिख रहा है? माहौल तो उन्हीं का दिख रहा है आपकी, बाकी आगे का। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी इस बार आ रही है, कह रहे हैं दिल्ली मॉडल की तरह हम उत्तर प्रदेश में मॉडल लाएंगे, तो उस क्या कुछ है? वो भी पार्टी सही है, वो भी आ जाएगी, वो भी सही है, काम कर रही है। दिल्ली देखो कैसा बढ़िया काम कर रही है, यहाँ आ जाएगी, यहाँ भी वो अपना काम करेगी, क्या समझे। दोनों लोग 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, तो जनता किसकी तरफ जाती थी, क्या कुछ? जनता तो भाई जो फ्री देगा उसकी तरफ ज़्यादा झुकती है। दोनों लोग तो फ्री दे रहे हैं 300 यूनिट बिजली। कौन दोनों दे रहा है? आम आदमी पार्टी भी 300 यूनिट बिजली दे रही है और अखिलेश यादव भी 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं। बस जो उसमें मजबूत होगा वो पा जाएगा वोट ज़्यादा। अब इन दोनों में जो मजबूत सही हो काम करेगा वो पाएगा। अखिलेश यादव भी तो फ्री, योगी आदित्यनाथ भी तो फ्री दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री वैक्सीन दे रहे हैं। राशन अभी दे रहे हैं, अभी एक महीना हुआ देते हुए, अभी तो बढ़ा दिए अभी तक ना? क्या हो गया? अभी बढ़ा दिए, दो महीने तीन महीने देंगे, जहाँ इलेक्शन आए वहाँ खत्म सब कहानी, टाइट ऑफिस कहने की बात है भाई। जी भाई, किसका माहौल बनता दिख रहा है, कौन आ रहा है 2022 में? अखिलेश यादव कहे योगी आदित्यनाथ के काम क्या हो जाए, सही नहीं लगे क्या? खाली चना देने से थोड़ी वोट मिल जाएगा, तेल भी तो दे रहे हैं। अरे तेल दे रहे, चना दे रहे, खाली आज ये दे दिया, लास्ट टाइम पे अब दे दिया, उससे पहले गरीब लॉकडाउन में कितना मर गया। पूरे कोरोना काल में तो उन्होंने फ्री राशन दिया है बोल रहे। अरे वो तो गरीबों को दिया ना, जो लगा रहे थे फिर लॉकडाउन लगा दे, जो वाइड यूनिट वाले हैं, जैसे राशन कार्ड वाले हैं, अंत्योदय हैं, उनको दिया है ना, सबको थोड़ी दिया है। सबसे पैसे लगा है भाई,
जो भाई गरीब तो मान लो अंत्योदय वाले जो हैं वो कुछ। कहाँ, किस गांव से हैं आप? यूपी क्षेत्र फरुखाबाद। फरुखाबाद से जी, जी। तो गांव में घर है आपका? हाँ हाँ, तो हमारा शौचालय नहीं मिला आपको? शौचालय मिला है। शौचालय मिला है हाँ, मगर बनवाने के लिए लोग उसमें जो थे 4,000 रुपए मांग रहे थे। मतलब जो अधिकारी 12,000 रुपए जो मिला है? जी जी, मिला नहीं है, लिया ही नहीं हमने। हमने लिया नहीं, हमने अपना गड्ढा खोदा, सब कुछ खोदा। वो बोल रहे थे कि 2,000 रुपए आपको हमें देना पड़ेंगे पहले, पहली किस्त में 4,000 रुपए आएंगे। वहाँ के लोगों ने बोला तो इसके मारे मेरे पापा जो थे उन्होंने मना कर दिया। कहने भाई 2,000 रुपए दे नहीं पाए? नहीं नहीं नहीं, दे नहीं पाए। इतने ले रहे थे 2,000 रुपए, किस लिए ले रहे थे? इतना भ्रष्ट किसी में भी नहीं है, किसी सरकार में नहीं है जितना इसमें है। आप कहीं पर भी जाइए, हॉस्पिटल जाइए या कहीं भी जाइए, हर जगह पैसा चाहिए। पैसा है तो आपका काम होगा, नहीं तो फिर आप ऐसी मरो, ऐसी पड़े रहो सड़कों पर। भ्रष्टाचार मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सरकार में है भाई, कहाँ हो गया मुक्त? आपको, आप तो सब देख रहे हैं, आपको तो सब दिख रहा है। आप जाते हैं कहीं पर, आप लोग जाएंगे जब भी हमारा काम होता है। अभी हम आपको लेके जाएं भी हॉस्पिटल में, एक सेकंड में मेरा काम हो जाएगा। वरना हम अभी 4-5 दिन से लोग पड़े हुए हैं यहाँ पर बेचारे, जिनका कुछ नहीं हो रहा है। एक ब्लड कैंसर वाला, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, और बढ़ गया भाई इस सरकार में। पुलिस ने इतना पैदा करा है, कुछ कहने को नहीं। आए दिन किसी को भी उठा ले जा रही है, लॉकडाउन है भाई, मार रही है, लाओ 5,000 रुपये जब छोड़ रही है। जाने कितना यूपी में तो पुलिस ने इतना पैदा किया है कि हम आपको बता नहीं सकते, जितना किसी सरकार में नहीं हुआ है जितना इसमें हो गया। इससे बढ़िया अखिलेश भैया जिंदाबाद। अखिलेश को इस बार वापस ला रहे हैं 101% भैया। तो मतलब सारी जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास कर रहे हैं और बच्चों को फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे हैं, तो इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? अरे ऐसा थोड़ी होता है। अब मान लो 1,00,000 लोग हैं, 10 लोगों को बुलाया, टैबलेट पकड़ा दिया, दे दिया। वो टैबलेट लेने के लिए, टैबलेट होता है लगभग मान लो आप 10,000 रुपये का, उसको लेने के लिए वो कम से कम 5,000 रुपये खर्चा करे होंगे उसने। ये बात आपको नहीं पता है, हम छोटे से लेके जमीन के स्तर से लेके बड़े तक सब जानते हैं कि कैसे वो वहाँ तक पहुँचा होगा उस टेबलेट तक। जाने किसको किसको घूस देनी पड़ती है वहाँ पर, पहले ऑनलाइन करवाया होगा, फिर उसका फिजिकल टेस्ट हुआ होगा, फिर वो वहाँ गया होगा। अभी एक योजना चली थी कोई रोजगार वाली, गरीबों को श्रम कार्ड वाली 50-50, 100-100 रुपये में बना रहे हैं लोग, फ्री बता रहे हैं, 100-100 रुपये ले रहे हैं। किसी लोग बाड़ी में आप चले जाओ 50 रुपये से कम नहीं ले रहा। तो गांव में खेत किसी है आपके? खेत कुछ नहीं है, खेत है वैसे है, हमारा नहीं है कुछ। वो नहीं, पिताजी के होंगे ना जी? नहीं है, नहीं है। अच्छा, तो किसान निधि भी नहीं मिलती होगी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, बस ऐसे अपने जीवन गुजार रहे, मजदूरी करते। पहले की आपने फिल्में देखी होंगी, उसमें जो है हम कम पढ़े लिखे हैं, जो नरवंशी जैसे होते जिनके बच्चे नहीं होते हैं उन्हें राजा नहीं घोषित किया जाता था, तो उसका कोई तो कारण रहा होगा। तो वो आज हमारे समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने इन्हें बना के इसीलिए वो लोग नहीं बनाए जाते। कितनी परेशानी आ गई, कितनी आपदा आ गई, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान परेशान, पूरी दुनिया परेशान, इनके चक्कर में तो पूरा हिंदुस्तान परेशान। सबको पता था कोरोना लग रहा है, ट्रंप को बुलाना ज़रूरी था क्या भाई? इतनी भीड़ आ रही है, ये रैलियाँ चल रही हैं, क्या रात ही में कोरोना निकलता है सिर्फ जब सब सो रहे होते हैं, जब भी वो टहलता है सड़क पर? उसके बाद दिन में आप देख रहे हैं, दिन में हज़ारों की भीड़ चल रही है, जुलूस हो रहा है, उसमें कोरोना नहीं जा रहा, उसमें मना करा गया क्या भाई? हर चीज़ का एक वो होता है कि इसी हिसाब से ही रहना चाहिए, यही सब करना चाहिए, वो तो सबके लिए लागू होता है, या भाजपा वालों के लिए कोई लागू नहीं है। हाँ सॉरी, अयोध्या गए हुए हैं तो वहाँ पर एक विधायक हैं जो वहाँ से भाजपा, उनका नाम ध्यान से उतर गया हमारे, दुबे जी हैं कोई, मिश्रा जी, 5,000 लोगों की जैसे बाइक रैली लेके गए, सब पे 3-3 बैठे हुए हैं, वहाँ कोरोना नहीं है भाई? ये खुद नहीं कर रहे हैं, इन्हें खुद ये सब अपना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, खुद नहीं कर रहे हैं, ये दूसरों को डरा रहे हैं, कर रहे हैं बस, सिर्फ जनता के लिए, सिर्फ जनता के लिए बस, गरीबों के लिए वो भी नहीं। अभी आप VIP हैं तो सब ठीक है, आपके लिए सब छूट है, जो कमज़ोर लोग हैं, मरे दुए जब चिड़, उनके लिए बस लाठी बस्ती, जड़ा जड़ कुछ भी नहीं पूछता यार, हम भी इंसान है यार, एक बार बात तो करनी चाहिए। बेटा क्यों निकले रात में? प्यार से तो बोलना चाहिए, पूछना तो चाहिए, भाई साहब आप कैसे आ रहे हैं रात में? क्या पता बच्चे भूखे हों, उसके गरीब के राशन बट रहा है, पुलिस वाले राशन दे रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भोसली के बाहर निकला तो बहुत मारेंगे, पुलिस वाले बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं हेल्प करेंगे हम, राशन देंगे, कुछ भी नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला भाई। कैसे काटी है तो ऊपर वाला जानता है या हम जानते हैं कि हम लोग कितना परेशान रहे हैं और कितना सब कुछ हुआ है, कैसे काटी है? अभी सपा के यहाँ देखा जाए तो छापे पड़ रहे हैं लगातार, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अखिलेश यादव पर? अभी आज भी छापा पड़ा है। हाँ हाँ, कन्नौज भी पड़ा है, आज भी छापा पड़ा है, एक इतर वालों के अभी पड़ा है, उससे कुछ नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव को थोड़ी है कोई भाई, जो गलत करेगा वो जाएगा, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे CM योगी जी हो,
मगर अभी जिसकी सरकार होती है वो सही होता है, चाहे वो गलत करे और चाहे वो कुछ भी करे, है नहीं भैया? अभी तो वो गलत करेंगे, सब ठीक रहेगा। मतलब अखिलेश यादव का माहौल बनता है 101% भैया, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद। चाहे एक ही वोट दें हम अकेले, अखिलेश यादव को ही देंगे, चाहे कुछ भी हो। क्या वजह है? रीज़न ये है वो ठीक हैं, उन्होंने विकास किया है यार, विकास मेन विकास है, सड़कों का, हॉस्पिटल का, आप बात समझ रहे हैं, पढ़ाई का, शिक्षा का, इन्होंने क्या किया शिक्षा विभाग में यार। भगवान, हम मैं मुस्लिम हूँ, आज मैं बता रहा हूँ मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। ऊपर वाला तो हमारे यहाँ है भाई, अगर हमें ज़रूरत पड़ी, अभी मैं यहाँ आया हूँ हॉस्पिटल में, यहाँ क्यों आया? अगर वो ये पैसा अगर वहाँ पर लगा दूँ मैं मस्जिद में, वहाँ जाके थोड़ी ये इंजेक्शन लग जाएंगे, ये सब हो जाएगा। ये शिक्षा है भाई, शिक्षा में पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। भैया आएंगे भैया, अखिलेश, अखिलेश, अखिलेश क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है, क्यों अखिलेश? भैया अखिलेश की सरकार में हर चीज़ बढ़िया होती है, ये तो समझ लो परेशान हो गए जनता। बताओ फकीर तक परेशान है, वो बेचारा भीख मांगने वाला कह रहा है परेशान हो गए हैं, बताइए तो क्या होगा भैया आम जनता का? तो वो तो बोल रहे हैं कि हमने फ्री राशन दिया, फ्री वैक्सीन दिया, लगातार अपने कामों को लेकर हर जगह बचाव के लिए भैया बोलते हैं सब लोग। अरे मसला यही है कि हर इंसान तो परेशान है, चाहे राशन से हो या किसी से हो। अब वो जब सत्ता आती है तो आदमी तो सब बातें करते ही कि भाई ये फ्री है, ये फ्री है, मगर जब सरकार आएगी तो अखिलेश की आएगी। क्या वजह है अखिलेश? क्योंकि इस समय तो अखिलेश के जो समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनके यहाँ छापे पड़ने शुरू हो गए हैं, लगातार करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, क्या कुछ? देखिए ये तो सब दिखावा है कि छापा है या नहीं है, ये तो वो जान सकते हैं किसके किसका है किसका नहीं, अखिलेश की है या मोदी सरकार की है या किसकी है, ये तो वही बताएंगे ना कि किसका। पब्लिक तो नहीं जानती, पब्लिक को तो चाहिए कि फ़ायदा, कि क्या फ़ायदा है नहीं, जैसे सरकार जो छापे पड़ रहे हैं वो प्रभाव नहीं डालेंगे वोटों पे? नहीं तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि अब मोदी सरकार जो अब छापे पड़वा रही तो ऐसे थोड़ी पड़वा रही होगी, कोई ना कोई समस्या होगी जब तो पड़वा रही है, और जो है जो काला धन है और ये सब है निकल के आ रहा है तो सामने पता ही चलेगा किसका है किसका नहीं है, जो सरकार जांच करेगी ना। पब्लिक तो जो परेशान है वो इसीलिए परेशान है कि मतलब कारोबार हर चीज़ से या लॉकडाउन से हर आदमी परेशान है। अभी सरकार जो है अगर ये अच्छा करेगी तो मोदी सरकार की आएगी, मतलब योगी की, और प्लस अगर ये अखिलेश अच्छा करेंगे। योगी आदित्यनाथ का काम कैसा लगा? क्योंकि इनका कार्यकाल अब 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो कैसा लगा काम का? नहीं काम तो जो करते हैं तो कर तो सही रहे हैं, मगर वही है कि पब्लिक तो परेशान है। अब कोई योगी के चक्कर में तो परेशान नहीं है, लॉकडाउन है, ये है, दुनिया भर की समस्याएं हैं, वो भी समस्या है। तो अब हाले अब रात के लॉकडाउन लगा दिया है, अब रात का कोई मसला ही नहीं है, अब लगाए तो सब पूरा समस्या लगाए, नहीं तो लॉकडाउन का कोई मसला ही नहीं है। अब लॉकडाउन के चक्कर में काम कारोबार हर चीज़ से, शादी से, ब्याह से, हर चीज़ से तो आदमी परेशान है। तो वही है कि सरकार किसी की भी हो, चाहे योगी की हो या अखिलेश की हो, काम जो भी हो अच्छा करें। कैमरा पर्सन इमरान हैदर के साथ मैं अंकित तिवारी, लिमरा न्यूज़, लखनऊ।